2024 लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान चल रहा है। दोपहर 1 बजे तक 36.73% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा लद्दाख में 52.02% और सबसे कम महाराष्ट्र में 27.78% मतदान हुआ है। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा के सेकंड फेज की 35 सीटों पर 35.31%, झारखंड की गांडेय विधानसभा सीट पर 40.38% और लखनऊ ईस्ट सीट पर 34.3% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के महोबा में ड्यूटी के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में भाजपा कैंडिडेट्स और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हुई है। मुंबई में मतदान केंद्र के पास डमी ईवीएम रखने के आरोप में पुलिस ने शिवसेना के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गुलजार, सुभाष घई, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी के अलावा आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास और अनिल अंबानी ने वोटिंग की। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा ने लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में वोट डाला। 543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो गया है। आज की सीटों को मिलाकर कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। 49 सीटों पर वोटिंग जारी। रायबरेली में राहुल गांधी वापस जाओ के लगे नारे। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। जारी मतदान के बीच रायबरेली में हंगामा हो गया है। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का विरोध हुआ है। खबर है कि रायबरेली में राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में जारी मतदान के बीच रायबरेली में हंगामा हो गया है। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का विरोध हुआ है। खबर है कि रायबरेली में राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी वापस जाओ के लगे नारे। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में जारी मतदान के बीच रायबरेली में हंगामा हो गया है। सांसद राहुल गांधी का विरोध हुआ है। खबर है कि रायबरेली में राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे हैं। अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने डाला वोट। वोट करने के बाद अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कहा, मुझे गर्व है कि आज मैं भारी मात्रा में यहाँ सब मतदान करने आए हुए हैं और जो नहीं आए हैं वो शाम तक आकर अपना वोट डालें। अभिनेता सुनील शेट्टी ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के लिए अपना वोट डालने के बाद अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि हर किसी को बाहर आना चाहिए और अपना वोट डालना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।